हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समस्या हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल चल रही है और हमारी ट्यूटोरियल में हम सभी बेसिक एंड एडवांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे कोऑर्डिनेटर के। देन उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग सिस्टम का, जिसमें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो फॉलो रिक्वेस्ट होती है, आपको बताता हूँ। ये हमारे दो टाइप के यूज़र है, एक यूज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की है, जो टेस्ट यूज़र है उसने फॉलो रिक्वेस्ट सेंड की थी, और एग्जाम्पल यूज़र पर हम उसे रिसीव करने की प्रोसेस कर रहे थे। जिसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट हमने फेच की थी, जिसमें हमने ज्वाइन लगा के यूज़र का नेम और सिटी भी फेच की थी हमारे डेटाबेस की स्टेबल के अंदर से। ये वाली फॉलो रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करने वर्क कर रहे थे, तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्मेशन फेच की थी। आज हम हमारे व्यू पर लोड करेंगे, मैं आपको व्यू बता देता हूँ हम जिस व्यू पर इसे लोड करेंगे इस बार। एंड हम इसे यहाँ से करते हैं कमेंट एंड रिलोड करेंगे, तो जो हमने इन्फॉर्मेशन फेच की है उसे हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, देन उसे हमने जो ये फेच की थी, यहाँ पर अरे आपको प्रिंट होता दिख रहा था, ये फेच करने की प्रोसेस भी आपको उस ट्यूटोरियल में मिल जाएगी। देन उसके बाद आप इसे इजिली समझ सकते हैं। आज हम डिस्प्ले करेंगे ये इन्फॉर्मेशन को। इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, देन इसे हम पास करेंगे हमारे व्यू पर। तो इस डेटा को हम पास करते हैं फॉलो रिक्वेस्ट वाली व्यू पर। तो यहाँ देंगे डेटा फॉलो रिक्वेस्ट, और इसे हम कॉपी करते हैं फॉलो रिक्वेस्ट वाले एरे को, एंड इसका लूप चलाएंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारा ब्लॉक है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम सिंगल ब्लॉक को रखेंगे, बाकी सभी को हटा देते हैं। सेव, अगेन इसे हम रिलोड करेंगे। तो देखिए सिंगल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हम लूप चलाएंगे, यहाँ पर हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे, देन क्लोज करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फोर, या फोर ईच लिख देते हैं, फोर ईच। एंड यहाँ लिखेंगे डॉलर फॉलो यूजर्स एज यूजर, देन इसके बाद हम यहाँ पे इसे करते हैं क्लोज। वह चेक कर लेते हैं ये वाला हमारा ब्लॉक है, ओके। एंड यहाँ पर हम इसे करते हैं क्लोज, एंड अगेन रिलोड करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, ओके। तो कोई एरर नहीं, यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड था हमारे पास, तो यहाँ पर सिंगल आ रहा है। एंड यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना होगा नाम, तो हम इस यूज़र से कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पर हम देते हैं एको। देन इसके अंदर हमें मिलेगा नेम, एंड नेम के बाद हमें सिटी दिखाना है, तो सिटी के लिए हमें कंडीशन लगानी होगी। यहाँ पर हमें कंडीशन लगाएंगे, एंड यहाँ लिखेंगे इफ जो सिटी है वो अगर नॉट इक्वल्स टू नल हो तभी हम सिटी शो करेंगे। एंड इसे हम यह करते हैं क्लोज, और यहाँ पर हम शो कर देंगे जो भी सिटी का नाम आएगा। एको, देन यहाँ पर हम देते हैं सिटी। एंड अगर सिटी में कोई वैल्यू नहीं है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे एको एंड स्लैश ए, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड रिलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट यूज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की थी, हमने जो यू सेंडर हमारा यूज़र था वो टेस्ट यूज़र था, देन उसके अंदर कोई सिटी नहीं दी थी, यहाँ पर सिटी में एन ए आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम किसी और यूज़र से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैं एको यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ गेस्ट विंडो से, यहाँ पे गेस्ट विंडो, देन हमारा प्रोजेक्ट के बारे में हम हिट करेंगे, यहाँ पर हम इसे हिट करते हैं, एंड एक और हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन डेमो डेमो एट gmail.com, देन 1 2 3 4 5 6, एंड लॉगिन करते हैं। एंड हम एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने रिक्वेस्ट सेंड की, ये देखिए रिक्वेस्ट आ चुका है,
और अगेन अब अगर हम एग्जांपल सेक्शन में आकर रिलोड करते हैं तो यहाँ पर हमें दो रिक्वेस्ट मिल रही है, पहली डेमो की देन दूसरी टेस्ट की। जितने भी रिक्वेस्ट आएगी वो हमें यहाँ दिखती जाएगी, और इसके अंदर सिटी है तो देखिए यहाँ पर सिटी इंदौर आ रही है। तो यहाँ पर हमें एक और चेंजेस करना होगा। देखिए ये डेमो यूज़र की जो रिक्वेस्ट है ये करंट रिक्वेस्ट है, लेकिन ये नीचे आ रही है, इसे हमें सबसे टॉप पर बताना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चेक कंडीशन लगाएंगे हमारे कंट्रोलर पर, और ज्वाइन के जस्ट पहले यहाँ लिखते हैं डॉलर धीज, या ज्वाइन के बाद लिख लेते हैं हम, यहाँ पर ज्वाइन के बाद लिखते हैं डॉलर धीज डी बी ऑर्डर बाय, और यहाँ पे लिखेंगे कि जो फॉलो यूज़र वाली टेबल की जो आईडी है वो होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारी जो करंट रिक्वेस्ट है वो सबसे टॉप पर शो होगी, तो देखिए करंट रिक्वेस्ट सबसे टॉप पर शो हो रही है, देन जो पुरानी रिक्वेस्ट है वो नीचे आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट शो हो रही है। अब यहाँ पर फॉलो बटन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट बटन होगा। तो ये हमारे व्यू पर आते हैं और बटन का टेक्स्ट चेंज करेंगे, या अप्रूव लिख देते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह। देन अप्रूव के लिए यहाँ पर हम जो बटन है इस बटन को कन्वर्ट करेंगे एंकर टैग में, और यहाँ पर हम लिखेंगे href echo base url, देन इसमें देंगे हम होम स्लैश अप्रूव रिक्वेस्ट स्लैश, और ये जो करंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इसकी जो आईडी है वो हम यहाँ पे कर देंगे पास। एंड अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। ये देखिए यहाँ पर अप्रूव का बटन है, देन इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जो फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा, और उसमें हमने जो आईडी पास की है वो 4 है। तो अब हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा अप्रूव करने के लिए। इसके लिए हम आते हैं हमारे होम कंट्रोलर पर, देन यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन एको आईडी, और हमारी जो आईडी होगी वो हम यहाँ से पास करेंगे। इसे हम करते हैं रिलोड, तो हमें यहाँ पर आईडी मिल रही 4, और अगर हम किसी और यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आईडी मिल रही है 3। अब हमें इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है, तो अप्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर एक अपडेट क्वेरी चलानी होगी। अपडेट क्वेरी में ऐसा कुछ करेंगे हम कि जो हमारी डेटाबेस की टेबल है उसके अंदर अभी स्टेटस जो 0 है इसे हम 1 कर देंगे, तो जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी। इसके लिए हम अपडेट क्वेरी चलाते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं हमारे मॉडल, और हमारे मॉडल के अंदर हमने अपडेट के लिए कोई फंक्शन बनाया नहीं। इसके लिए हम जाते हैं हमारे मॉडल में, ये हमारा मॉडल है देन कॉमन मॉडल, और यहाँ पर देखिए अपडेट के लिए कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन अपडेट डेटा, और यहाँ पर पहला पैरामीटर देंगे हम टेबल का नेम, सेकेंड पैरामीटर हमें किस डेटा को अपडेट करना है, और थर्ड पैरामीटर होगा हमारा वेयर कंडीशन का एक एरे, एंड उनका यूज़ करते हुए हमें लिखेंगे डॉलर धीस डी बी वेयर कंडीशन लगाएंगे कि हमें किस वेयर कंडीशन के थ्रू अपडेट करना है। उसमें हम पास कर देंगे हमारा वेयर एरे, एंड उसके बाद यहाँ लिखेंगे डॉलर धीस डी बी अपडेट, और इसमें पहला पैरामीटर होगा आपकी टेबल का नाम जिस टेबल को आपको अपडेट करना है, और सेकेंड पैरामीटर आपको जिस डेटा को अपडेट करना है। देन इसका जो भी हमें आउटपुट मिलेगा हम उसे कर देते हैं रिटर्न। अब इस फंक्शन को कॉल करते हुए हम इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। तो हम आते हैं हमारे होम कंट्रोलर पर, और यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डॉलर धीस सी एम अपडेट डेटा, देन इसके अंदर पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा हमारी टेबल का नाम जो है फॉलो यूज़र, देन सेकेंड पैरामीटर क्या डेटा अपडेट करना है, तो यहाँ पे एरे पास करेंगे जिसमें होगा कि जो स्टेटस है अभी देखिए स्टेटस 0 है, स्टेटस दोनों की 0 हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ये दोनों स्टेटस 0 है। तो अगर अप्रूव करना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटस 1 कर देंगे, और जो वेयर एरे होगा हमारा उसमें हम लिखेंगे कि जो आईडी होगी वो हमारी जो आईडी वेरिएबल के अंदर डेटा है उसके इक्वल होना चाहिए। देन इसके बाद हम कर देंगे रिडायरेक्ट बेस यूआरएल,
और बेस फेयरवेल के बाद हम रिटायर करेंगे होम स्लेश फॉलो यूजर, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट एंड सेव। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। अब हम क्लिक करेंगे अप्रूव पर, तो हम डेमो यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसे अप्रूव करेंगे। हम जैसे क्लिक किया तो हम वापस इसी पेज पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर हमें कोई चेंजेस दिखा नहीं है, लेकिन अगर हम डेटाबेस में आके देखें, ये हमारा डेटाबेस है, देन इसके अंदर अगर हम इसे रिलोड करें तो देखिए यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो वन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको यूआई पर कोई इफेक्ट नहीं दिखा क्योंकि हमने यहाँ पर कोड नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें अप्रूव की जगह अप्रूव्ड बताना होगा अगर स्टेटस वन हो चुका है। तो हम आते हैं हमारे व्यू पर, और यहाँ पर जो हमारा ये बटन है, इस बटन पर हमें कंडीशन लगाना है। तो इस बटन को हम एक न्यू लाइन में ले लेते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे सम। यहाँ से कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ अगर इसके अंदर जो स्टेटस है वो अगर वन है तो हमारा इफ़ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। एल्स ब्लॉक होगा तो हमारा नॉर्मल यही बटन रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, जिसमें हम अप्रूव का कोड चलाएंगे, क्लिक करने पर अप्रूव की फंक्शनलिटी होगी। और अगर स्टेटस वन है तो यहाँ पर हम लिखते हैं बटन, और यहाँ लिख देंगे अप्रूव्ड, और इस पर क्लास होगी btn, btn हाइफन प्राइमरी। पहले हमारी इन्फो थी, प्राइमरी होगी, थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। एंड इसे अगर हम रिलोड करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसे हम इसी की तरह क्लास लगा देते हैं btn फ्लोट राइट और btn sm, सेव एंड अगेन रिलोड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है अप्रूव्ड। और अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये रिक्वेस्ट भी हमारी देखिए अप्रूव हो चुकी है। और अगर हम डेटाबेस में आके देखें तो ये दोनों स्टेप पे हमारी ये देखिए अप्रूव आ रहा है। और अगर हम सेंडर यूज़र के एंड पर देखें तो अब देखते हैं हमारा अभी तक हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ था, लेकिन अगर हम अगर रिलोड करते हैं तो ये देखिए अप्रूव्ड हो चुकी है। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो यहाँ अप्रूव्ड आ चुका है। अब हम टेस्ट नाम के यूज़र को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो ये हमने रिक्वेस्ट सेंड की, देन ये अभी रिक्वेस्टेड है। और अब हम टेस्ट यूज़र से इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हमारा टेस्ट यूज़र। एंड इसके हम अगर रिक्वेस्ट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक रिक्वेस्ट मिल रही है डेमो यूज़र की, जो इंदौर लोकेशन से। अगर हम इसे अप्रूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्रूव आ चुका है। और अगर हम वापस डेमो यूज़र में आकर इसे देखिए अभी रिक्वेस्टेड है, इसे हम रिलोड करेंगे तो ये अप्रूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो फॉलो रिक्वेस्ट थी, ये फॉलो रिक्वेस्ट हमने सेंड भी की है, देन अप्रूव करने की हमने फंक्शनलिटी कंप्लीट कर ली है। इसके अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इस जो रिक्वेस्ट हमें आती है, तो अगर किसी यूज़र को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है तो उसे डिलीट भी कर सकता है। तो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसकी डिलीट फंक्शनलिटी को करेंगे कि फॉलो रिक्वेस्ट को यूज़र किस तरह से डिलीट कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप इस प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।